कंट्रोवर्सी किंग बिजनेसमैन ललित मोदी को कितना जानते हैं? पेशे से बिजनेसमैन ललित मोदी को ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत में आईपीएल की शुरुआत की थी, लेकिन विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं, मैं प्रियांशु आपके साथ। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने गुरुवार देर रात बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर सुष्मिता सेन को टैग करते हुए लिखा, एक नई शुरुआत, एक नया जीवन। उनके ऐसा लिखने से एक बार तो ऐसा लगा कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल केवल डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दिन शादी भी करेंगे। अब लोग इंटरनेट पर ललित मोदी और सुष्मिता सेन के बारे में जानकारियां जुटाने में लगे हैं। पेशे से बिजनेसमैन ललित मोदी को ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत में आईपीएल की शुरुआत की, लेकिन विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं ललित मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से। 59 वर्षीय ललित कुमार मोदी आज भले ही भगौड़े का जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन एक समय था जब बिजनेस जगत में, खासकर भारतीय क्रिकेट में, उनकी तूती बोलती थी। जी हाँ, उन्होंने देश में इस खेल को अभूतपूर्व व्यावसायिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंडियन प्रीमियर लीग को उन्हीं के दिमाग की उपज माना जाता है। आईपीएल के रूप में उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी। इन दिनों ललित मोदी अपने पिता की बनाई कंपनी के मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट हैं। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल, उनकी वेबसाइट lalitmodi.com और उनके फेसबुक पेज पर भी खुद की पहचान मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट के तौर पर पेश की जाती है। आपको बता दें, ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को कृष्ण कुमार मोदी के घर हुआ था, जो कि दिल्ली के एक प्रभावशाली व्यवसायी थे। आपको बता दें, ललित कुमार मोदी पढ़ने लिखने में बचपन से ही बहुत अच्छे नहीं थे। दरअसल वह एक चालाक बिजनेसमैन थे। उनके दादा राज बहादुर गुजरल मोदी गाजियाबाद के बाद स्थित शहर में मोदी नगर के संस्थापक, और उन्होंने ही मोदी एंटरप्राइजेज की शुरुआत की थी। आपको बता दें, ललित मोदी ने शिमला के बिशन कॉटन स्कूल और नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। हालांकि वह काफी कमजोर स्टूडेंट थे और अक्सर स्कूल से भाग जाया करते थे। बाद में हायर एजुकेशन के लिए जिद पर अड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के डरहम में ड्यूक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ललित मोदी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो अक्सर गलत वजहों से सुर्खियों में रहते आए हैं। पढ़ाई के दिनों से ही वह विवादों में रहना सीख गए थे। विवादों के संग उनका पहला नाता 1985 में ही जुड़ गया था, जब उन्हें यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वह घातक हथियार से हमला करने के आरोप में भी हिरासत में लिए गए थे। इसी साल ललित मोदी एक अन्य छात्र पर अपहरण का इल्जाम लगा, हालांकि उनकी 2 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया था। अगले साल ड्यूक यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट होने के बाद मोदी ने दोबारा अदालत का रुख किया और स्वास्थ्य के आधार पर भारत जाने की अनुमति मांगी। अदालत ने उन्हें 1990 तक 200 घंटों की सामुदायिक सेवा करने की शर्त पर लौटने की अनुमति दी। ललित मोदी की भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री के बारे में आपको बता दें, ललित मोदी अमेरिका से भारत लौटने के बाद पिता के मोदी के कारोबार में लग गए, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा और वह अपने रास्ते पर निकल गए। साल 1952 का वक्त था जब ललित मोदी ने भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में से शुमार गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक रहे। 1999 में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल हो गए, जब उन्होंने गर्मियों में भारतीय टीम की प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वादा किया। जल्दी उन्होंने अपने वादे पर अमल करना शुरू कर दिया और ऐसा करके उनका कद ऊंचा होता गया। 1996 में उन्होंने बीसीसीआई को एक सीमित ओवर की क्रिकेट लीग की पेशकश की, जिसे तब बीसीसीआई अध्यक्ष जगन मोहन डालमिया ने इसे ठुकरा दिया था। 2008 में ललित मोदी ने भारत में आईपीएल की शुरुआत कर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी। आज की तारीख में मोदी का वह आइडिया बहुत बड़ा क्रिकेट आयोजन बन चुका है। अभी पिछले ही दिनों ललित मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, यह देखकर अच्छा लगता है कि आईपीएल का आकार $6 बिलियन हो गया है। मैं मेरे देश भारत को यह गिफ्ट देकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आईपीएल जल्द ही $8 से $10 बिलियन का बन जाएगा, लेकिन इसी आईपीएल की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद 2010 में वह देश छोड़कर चले गए थे। फिलहाल ललित मोदी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार हैं और भारत सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। वह लंदन में रह रहे हैं। 2010 में आईपीएल में धांधली के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें, इनकी एक और कंट्रोवर्शियल स्टोरी, मां की सहेली से इन्होंने प्यार किया और शादी किया।
1991 के आसपास उन्होंने अपनी माँ की एक सहेली मीनल से शादी की, जिनसे वह उस समय मिले थे जब वह अमेरिका में पढ़ते थे। ललित मोदी से उम्र में 9 साल बड़ी जो उनके माँ की फ्रेंड थी उनसे उन्होंने शादी की। मीनल और ललित मोदी के बेटे का नाम रुचिर है, दोनों ही आलिया नाम की एक बेटी भी है। मीनल का दिसंबर 2018 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। तो ये थी कंट्रोवर्शियल किंग ललित मोदी की कहानी, जिन्हें आपने मेरे साथ सुना। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको Facebook के माध्यम से मिली है तो पेज को फॉलो करें और इस पूरे वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।